भारत अभियान के अखिल भारतीय समन्वयक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भगवती प्रकाश शर्मा की पुस्तक कालजयी भारतीय ज्ञान का विमोचन रामकृष्णपुरम स्थित समायान स्वावलंबी भारत अभियान के केंद्रीय कार्यालय में संपन्न हुआ। तरंग माध्यम से जुड़े लेखक भगवती ने पुस्तक के सभी अध्यायों को उपस्थिति गणमान्य नागरिकों को बतलाया। इस अवसर पर मंच पर आशीन गणमान्य अतिथि संयोजक आर सुंदरन जी, संगठक कश्मीरी लाल जी, संयोजक अश्विनी महाजन जी, सह संगठक सतीश कुमार जी, प्रभात प्रकाश से श्री प्रभात जी, पूर्व जस्टिस श्री शिव नारायण डिंगरा जी, जस्टिस श्री मेथी जी, सह संपर्क प्रमुख श्री अनिल शर्मा जी, सह व्यवस्था प्रमुख श्री दीपक शर्मा प्रदीप जी मुख्य रूप से वहां उपस्थित रहे। ये भी बता दें, श्री प्रताप जी ने भारतीय परंपराओं भारत के वैदिक ज्ञान का संबंध आधुनिक विज्ञान से बतलाते हुए विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। स्वदेशी शोध संस्थान के सचिव प्रो प्रदीप चौहान, सह सचिव डॉक्टर सरबीजीत कौर जी, गगन कुमार जी सहित संस्थान के समस्त प्रमुख कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे। देखिए, कालजयी भारत ज्ञान, ये डॉक्टर भगवती प्रकाश जी की जो पुस्तक है, बहुत छोटे में 250 शब्दों में इन्होंने 1,00,000 साल के भारत का इतिहास प्रमाणों सहित लिखा है। और इसकी विशेषता ये है कि इन्होंने पाश्चात्य दर्शन के साथ, पाश्चात्य विज्ञान के साथ तुलना की है और बताया कि वो जो ऐसा विमर्श खड़े कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा विज्ञान है विदेश का, वो कितना बौना है, कितना छोटा है, ये पुस्तक दर्शाती है। और भारत का दर्शन कितना महान है, भारत की कला तकनीक विज्ञान कितना श्रेष्ठ है, ये पुस्तक प्रमाण सहित बताती है। हर एक व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए और प्रभात प्रकाशन ने इसको छाप करके बहुत धन्यवाद के पात्री बने हैं। आयुर्वेद हमारे घर में पहुंचेगा, ये ज्ञान विज्ञान हमारे घर में पहुंचेगा और हर बच्चा महसूस करेगा कि मैं विश्व को क्या योगदान कर सकता हूं। तो ये ऐसी एक बड़ा ग्रंथ छोटे रूप में दिया गया है, गागर में सागर भरा। प्रोफेसर प्रदीप चौहान, मैं प्रोफेसर हूँ JNU में और मैं स्वदेशी शोध संस्थान का सचिव हूँ। आज ये स्वदेशी शोध संस्थान ने एक कार्यक्रम किया जिसमें प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी शर्मा की जो बुक है आप देख रहे हैं, कालजयी भारतीय ज्ञान का विमोचन किया गया, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति प्रभात पब्लिकेशन से लेकर माननीय कश्मीरी लाल जी, माननीय सती जी, अश्विनी जी, सुंदरम जी सभी इसमें उपस्थित रहे और अन्य जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे। तो ये जो पुस्तक है, ये माननीय भगवती जी ने इस संदर्भ में लिखी है कि जिस प्रकार से हम किसी भी आविष्कार को, किसी भी नई चीज को, किसी भी इनोवेशन को ये मानते हैं कि वो वेस्टर्न या पश्चिम में ही सब कुछ हो रहा है, बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो भारत में बहुत पहले हो चुके हैं और भारत के ज्ञान भंडार में उनका पूरा विवरण भी दिया है। तो आज के इस पुस्तक के जो प्रकाशन में आप यहाँ पर उपस्थित कौन कौन लोग आए थे, किन किन लोगों को आपने बुलाया? हाँ, हमारे आज के पुस्तक का जो विमोचन है उसमें माननीय सतीश जी जो के स्वदेशी जागरण मंच के सह संगठक हैं, उसमें माननीय सुंदरम जी जो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, माननीय प्रोफेसर अश्विनी जी जो स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक हैं, प्रोफेसर हमारे आर के मित्तल जी जो पूर्व कुलपति हैं बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी से, और अन्य बहुत से हमारे इस तरह के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनकी उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन। सतीश कुमार मेरा नाम है, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक ऐसा मेरा दायित्व है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी जो
गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं और इस समय पैसिफिक यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वो प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक भी हैं। वे बहुत ही उच्च स्तर के विद्वान हैं, भारत का उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया हुआ है। 35 के लगभग पहले भी उनकी पुस्तकें जो है वो आ चुकी हैं, उसी क्रम में ही उन्होंने एक नई पुस्तक जो है वो लिखी है, भारतीय काल ज्ञान। यह पुस्तक भारत का प्राचीन इतिहास, उसका समय, उसका गौरव, हमारी ज्ञान की परंपरा, पश्चिम ने ही हमारे को सब कुछ ज्ञान दिया है ऐसा हम लोग नहीं मानते। हमारा वेद काल से लेकर महाभारत काल से लेकर आज तक का भारत में ज्ञान की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी ने उसका अध्ययन किया है, हमारे वेदों ने क्या लिखा है, उपनिषदों ने क्या लिखा है, चाणक्य ने क्या लिखा है, सुश्रुत ने क्या लिखा है, आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है, ऐसा सब उन्होंने अध्ययन करने के पश्चात बहुत मेहनत करके ये ग्रंथ, काफ़ी लंबी उनकी साधना, मैं तो कहता हूँ ज्ञान की वे साधना करते हैं, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। आज यहाँ स्वदेशी जागरण मंच के केंद्रीय कार्यालय में जो समय यान पुस्तकालय है उसमें इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक CA R सुंदरम जी मदुरई से विशेष रूप से आए, डॉक्टर अश्विनी महाजन जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, वे आए, प्रोफेसर प्रदीप चौहान जी आए, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी आए, जस्टिस झिंगड़ा वे यहाँ उपस्थित थे। उन सब लोगों ने मिलकर इस भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में अपने अपने विचार भी रखे और इस पुस्तिका के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। आई एम सुंदरम, नेशनल कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच। टुडे आवर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पांडे कैशमिलान जी इज कंप्लीटिंग 73rd ईयर एंड ही इज एंटरिंग द 74th ईयर। ही इज बीन ऑर्गेनाइजिंग फॉर द लास्ट 18 इयर्स। ऑन दिस होली ओकेशन वन ऑफ आवर नेशनल को कन्वीनर्स बाय नेम डॉक्टर भगवती प्रकाश शर्मा has come out with this book. It is about the Indian knowledge system as a whole. It is a holy, very holistic approach. It defines the Indian superiority in every field, not only related to economics. So this book has just been released on this occasion. देखिए, ये भगवती प्रकाश शर्मा जी जो हमारे अखिल भारतीय सह संयोजक हैं, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है जो भारत की ज्ञान परंपरा है, कालजयी भारतीय ज्ञान। इस ज्ञान परंपरा में जो भारत का ज्ञान है आदि काल से, पृथ्वी के बारे में, खगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, वो सब इसके अंदर समाहित है। हम लोग सुनते रहे वेस्टर्न साइंटिस्ट के माध्यम से कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो न्यूटन ने दिया, या जो बिग बैंग थ्योरी है किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट ने ये बताई, जो पृथ्वी का जो ज्ञान है, पृथ्वी की गति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वर्षों से हमारे वांग्मय में लिखा हुआ है। इसमें इस पुस्तक में एक जगह चर्चा आती है कि पृथ्वी की ध्रुवी, एक जो धुरी है वो क्या है, वो सीधी की सीधी कितने जो लाइट ईयर्स हैं उससे उतनी दूर ध्रुव तारा है, उसके साथ सीधी रेखा है दिल्ली जो पृथ्वी की, यानी इतने गहन ज्ञान को अभी तक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण समाज के सामने नहीं लाया गया। इस पुस्तक के माध्यम से और ऐसी ही पुस्तकों के माध्यम से जो भारतीय ज्ञान है, हमारे वांग्मय में जो ज्ञान है, उसको आम जन तक पहुंचाने का ये प्रयास है ये पुस्तक। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पुस्तकों की
बहुत अधिक आवश्यकता है। एक, ये हमारी भाषा में आसान भाषा में लिखी हुई है और इसके अंदर भारतीय परंपरा के ज्ञान की जो गाथा दी गई है वो सबको प्रेरित करेगी कि वो इसमें और अधिक रिसर्च करें, खोज करें। ऐसे लेखकों की भी आवश्यकता है जो गहन अध्ययन करके ऐसे पुस्तकें बाहर लाएं। ये पुस्तक का नाम है कालजी भारतीय ज्ञान, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका ये संवाहक है पुस्तक। भारतीय ज्ञान इतना संपन्न रहा है, हमारा भारतीय वाङ्मय इतना समृद्ध रहा है, पर विदेशी आक्रांताओं के निरंतर प्रहार और आक्रमण के कारण से हमारे ज्ञान संपदा नष्ट हो गई। तो आदरणीय भगवती प्रकाश जी ने इस पुस्तक का संकलन किया है, लेखन किया है, जिसमें हमारे भारतीय ज्ञान को एक नई पीढ़ी के लिए समक्ष प्रस्तुत किया है उन्होंने, जिसके पढ़ने से हम अपने उस अपार भारतीय ज्ञान को जान पाएंगे जिससे सर्वथा अपरिचित थे। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय सहसंपर्क प्रमुख का दायित्व है, और स्वदेशी जागरण मंच का जो एक नया आयाम स्वदेशी शोध संस्थान है उसका मैं पालक अधिकारी हूँ। आज का जो कार्यक्रम स्वदेशी शोध संस्थान के तत्वाधान में हुआ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कालजयी भारतीय ज्ञान, उस विषय की पुस्तक हमारे स्वदेशी जागरण मंच के ही एक बहुत सीनियर अधिकारी हैं माननीय भगवती प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने इसको लिखा है। और पुस्तक का महत्व इसलिए है कि अब हम वापस अपने ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे परंपराओं में, हमारे वाङ्मय में, हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है। अभी तक क्या हो रहा था कि वो जब वेस्ट में उसको आके कहता था कि ये चीज है, हम उसको मानते थे और अपने देखते ही नहीं थे, भले ही उन्होंने उसको वहाँ से चुराया हो, पर अब हमें ऐसा समझ में आया है कि ये वो क्या देख रहे हैं, हमें ही देखना है। तो इसके लिए कुछ जो हमें लगता है कुछ और भी ज़रूरत अभी आएगी, संस्कृत का प्रचार और प्रसार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संस्कृत को समझ पाएगा वही हमारे उन ग्रंथों में से कुछ निकाल पाएगा। आप अगर देखें जो इंग्लिश ऑथर्स हैं जिन्होंने हमारे ग्रंथों की व्याकरण किया, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, क्योंकि उनके पास वो बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए उनके जो व्याख्या उसको की इंग्लिश में वो बहुत ही टूटी फूटी है, उसमें वो भाव ही नहीं नज़र आ रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे ऐसे अब लेखकों को तैयार करना है जो संस्कृत की, जिनकी अच्छी बैकग्राउंड है, जो अपनी इस भाषा को समझते हैं, और उसके बेस पर हमारे पुराने ग्रंथों से इन चीज़ों को जब वो निकालेंगे तो एक स्वदेशी शोध संस्थान इस पर पहल करने वाला है। और जो आज ये बड़ा विषय है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर, जैसे आज उन्होंने विज्ञान की बात की, भूगोल, इस तरह के हर अर्थ क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद भी हो सकता है, इन पर, और हमारे आर्थिक विषय भी होंगे, इन पर हम आगे शोध करेंगे। और इस तरह की इस सीरीज़ की और बहुत सी पुस्तकें आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगी।